धन्यवाद महोदय। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, ये एक देश की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। नक्सलवाद, माओवाद जिस विषय को लेकर आज इस सदन में हम सब विचार विमर्श कर रहे हैं, इस विषय पर मैं कहना चाहती हूं कुछ पंक्तियां। जब तक रोटी के प्रश्नों पर पड़ा रहेगा भारी पत्थर, कोई ख्वाब मत सजाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने अगर कभी जो आना तुम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसी समस्या है जिस पर राजनीति से परे हटकर देखने की आवश्यकता है। शुरुआत हुई, लेकिन जो विषय और जो तथ्य इस सदन में रखे गए हैं, मुझे लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित होकर रखे गए हैं। और अगर हम राजनीति से प्रेरित होकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, तो आजादी के 64 वर्षों के बाद और कल फिर से स्वतंत्रता दिवस है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये वो समस्या है जिसकी शुरुआत हुई कहां से। राजनीति से परे हटकर हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये समस्या की शुरुआत किसी शोषण के कारण अगर हुई होती तो हम उसे स्वीकार करते, लेकिन आज ये समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर समस्या है। इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि संसदीय प्रजातंत्र के लिए ये समस्या एक गंभीर समस्या के साथ साथ ये संसदीय प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। इनका बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक एक रेल कॉरिडोर जैसा रेड कॉरिडोर, जिस पर ये आधिपत्य चाहते हैं, बंदूक की नोक पर राज करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को कोई नहीं देख रहा है। हमने शोषण किया, हमने उन्हें नहीं दिया, ये कहना पर्याप्त नहीं होगा। इस विषय को आज विचार करना चाहिए कि क्या पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर की बात हो रही है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? क्या कहीं वही क्षेत्र के लोग इफेक्टेड नहीं हैं? क्या केवल वही लोग प्रभावित नहीं हैं? अगर हैं तो राजनीति से अलग हटकर उस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। आरोप प्रत्यारोप, लाशों पर राजनीति, मौत के ऊपर राजनीति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि मौत किसी की भी हो, किसी भी व्यक्ति की, गरीब की, अमीर की, पुलिस की, आम नागरिक की, लेकिन मौत उतनी ही पीड़ा देती है। अगर पुलिस की भी मौत होती है तो वो उसके घर वालों को पीड़ा देती है, और किसी अगर माओवादी के घर की भी होती है तो उसे भी पीड़ा देती है। मौत में खुशी नहीं होती है, लेकिन एक मौत पर हम ये बात कहते हैं कि दूसरे लोगों को मारा गया है, लेकिन जब एक पुलिस वाले को घेर कर चारों ओर से माओवादी एक साथ भूनते हैं, उस समय ये सरकार अगर मौन हो जाती है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आने वाला इतिहास, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि हमें सदियों तक नहीं माफ करेगा, क्योंकि हम बार बार लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ की जब मौत होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हमने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। एक मौत पर इतनी बातें होती हैं, लेकिन जब वो पुलिस वाला मरता है, जब लगातार सुरंग बिछाई जाती है सड़कों के ऊपर, अभी यहाँ विकास की बात हो रही थी, मैं वो बात भी अभी आऊंगी उस विषय पर उसके बाद में, जब लगातार सड़कों पर सुरंग बिछाई जाती है, बारूद की सुरंगें, और उस पर जब बस जाती है बारात की बस, दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं उस बारात के अंदर, उस बस में जब दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उस बस को उड़ा दिया जाता है, दूल्हा दुल्हन की मौत पे लोग कहते हैं कि हम उस पर माफी चाहते हैं, क्या वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? क्या वो मौत अलग प्रकार की होती है? मौतों में भी क्या हम अलग अलग प्रकार रखते हैं? हम एक और हाई कोर्ट को मानते हैं, लोअर कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं,
लेकिन आज मैं इस सदन में उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये प्रश्न भी उठाना चाहती हूँ कि आप इन तमाम अदालतों को मानते हैं, फिर जन अदालत क्यों लगती है? छत्तीसगढ़ में लगातार जन अदालतें लगती हैं। आज यहाँ पर मीडिया के बहुत से बंधु बैठे हैं, वो मीडिया के बंधुओं में बहुत से लोगों ने उसका लाइव टेलीकास्ट किया है, मैंने उसे देखा है। और आज छत्तीसगढ़ में जब जन अदालत लगाया जाता है तो एक क्रूर व्यक्ति की भी रूह कांप उठती है उस घटना को देखकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि जब जन अदालत लगती है तो उसको केवल पुलिस की तुमने मुखबिरी की, एक ये आरोप लगाया जाता है, और उस एक आरोप के बदले उसके परिवार की, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसका पिता, उसका पूरा परिवार और पूरा गांव बैठता है, गोले में लोग बैठते हैं, उसकी बात उसको वहाँ पर सुना दी जाती है कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। जब आपके ऊपर यह आरोप है, वो उस जन अदालत में गोल चक्कर में दौड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे वहाँ पर मानव की हत्या की शुरुआत होती है, एक हाथ काटा जाता है, फिर पैर काटा जाता है, उसके बाद में उसके गर्दन को रेत दिया जाता है। वो विभत्स स्वरूप को देखकर इस देश का कोई भी मानव अधिकार का व्यक्ति इस बात को कहने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है? यह जन अदालत किस बात की प्रमाण है? मैं आज इसलिए इन बातों का उल्लेख करना चाहती हूँ कि सही मायने में घटना जब घटती है तो अलग हटकर हमको बात करनी चाहिए। इन बातों पर लगातार समाचार पत्र रंगे जा रहे हैं। अभी शुरुआती दौर में हमारे प्रथम वक्ता ने भी एक बात को कहा, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ही आती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर 11 लोगों की जो मौत हुई उस पर सरकार ने भी राजनीति की और वहाँ के विपक्षी दल कांग्रेस ने भी राजनीति की है। वहाँ पर आपने सदस्यों को उस क्षेत्र में भेजा। मैंने इसलिए इस घटना का पहले जिक्र किया कि जब इनकी मौत हुई, जब ये जन अदालतें लगी, जब लगातार लोगों को सुरंग के माध्यम से उड़ा दिया गया, तो कोई भी व्यक्ति वहां पर 11 सदस्यीय दल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आज वहां पर जब मुठभेड़ हुई, वहां के आदिवासियों को बचाने के, उस क्षेत्र को बचाने की सरकार ने ईमानदार कोशिश की, तो उस ईमानदार कोशिश को हम लोगों ने बजाय समर्थन करने के उस लाश पर फिर से राजनीति की शुरुआत की। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की घटनाएं, लाश की राजनीति बार बार होती रही, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो माओवाद का प्रमुख और स्पष्ट उद्देश्य है कि वो बंदूक की नोक पर इस देश में राज करना चाहते हैं, वो सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मैं आज इसलिए इस विषय को कहना चाहती हूँ कि नक्सलवाद और आतंकवाद में कितना अंतर है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाह रही हूँ। 2008-2009 आतंकवाद में 147 लोगों की मौत हुई और नक्सल हिंसा में 482 लोगों की हुई। 2010-2011 में आतंकवाद में 82 लोगों की मौत हुई और नक्सल हिंसा में 555 लोगों की मौत हुई। माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं, यह आंकड़े सरकार जारी करती है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस देश का गृह मंत्री जब इस विषय को मानता है कि मुठभेड़ में जो मौत हुई है उस पर उस सरकार ने, राज्य सरकार ने ठीक किया है, तो उस पर उसी जगह पर विपक्षी दल अगर राजनीति करेगा तो कैसे बात बन पाएगी? जहाँ तक शोषण की बात है, मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि बस्तर में कोई शोषक नहीं है, वहाँ कोई जमींदार नहीं होता है। वहाँ का जो आदिवासी है वह आज भी वहाँ पर साल महुआ चुनने के लिए जाता है, उसको उसकी उपज का उचित मूल्य मिलता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, वहाँ पर यदि शोषण होता है और अगर किसी ने शोषण देखा है तो उस शोषण को यहाँ पर हमें कहना चाहिए। वहाँ की राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में उनकी जमीन का पट्टा, उनको 2,00,000 लोगों को पट्टा का वितरण किया है, उसके बाद भी उन क्षेत्रों में आज ये परिस्थितियां हैं कि स्कूल नहीं है, स्कूल अगर है तो उसको उड़ा दिए गए हैं। वहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ कि 2010 में
107 स्कूलों को उड़ा दिया गया, ये पूरे देश भर की बात है। 96 सड़कों को बारूद की सुरंग से उड़ाया गया, इलेक्ट्रिक टावरों को उड़ाया गया, रेलवे स्टेशन और रेल लाइन, 19 बैंकों को उड़ाया गया और पंचायत बिल्डिंग करीब करीब 80। यदि हम विकास की बात करते हैं और अगर हम विकास की बात कर हम शोषण की बात कर रहे हैं, तो अगर इन चीज़ों को उड़ाया जा रहा है माओवाद के द्वारा, तो आखिर हम इसे किस श्रेणी में रखेंगे? आज ये एक ज्वलंत प्रश्न है। ज्वलंत प्रश्न ये भी है कि जब ये चीज़ें उड़ती हैं, आज बस्तर में कई कई दिनों तक के लिए ब्लैकआउट किया, वहाँ पर राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने जिस मजबूती के साथ में वहाँ पर लड़ने की शुरुआत की, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि ये वो सरकार है जिसने ईमानदारी के साथ में इस समस्या से निपटने की शुरुआत की, वोट की राजनीति नहीं की। आज हमारी वहाँ सरकार है, पिछले 5 साल हमारी सरकारें वहाँ पर रही हैं, और हमारी सरकार के होने के बाद भी आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन हमने वोट की राजनीति नहीं करके उस क्षेत्र में विकास की भरपूर कोशिश की। आज ये स्थिति है कि बस्तर के क्षेत्र में लोग सड़क बनाने के लिए जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर मंत्री महोदय गए हुए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री का जाना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को बहुत स्पष्ट तौर पर कहनी चाहती हूँ कि विकास उनका ध्येय नहीं है, उनका एजेंडा अलग है, इसलिए विकास और शोषण की बात यहाँ नहीं करके जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बार बार निर्मित हो रही हैं इस देश में, हमें उसे देखना चाहिए। आज बस्तर के केवल दंतेवाड़ा जिले से आज यहाँ पर सरकार को, केंद्र की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए सीधे मिलता है प्रॉफिट के तौर पर, और छत्तीसगढ़ में यदि आज कोई कार्य कर रहा है, तो माननीय महोदय मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि आज वहाँ पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही मुख्य तौर पर काम कर रही है, और अगर कोई छोटा मोटा काम कर रही है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। 89% हिस्सा इन्हीं दोनों कंपनियों के पास है और 50% देश के उपयोग में होता है और 50% के करीब करीब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 6,000 करोड़ रुपए अकेले दंतेवाड़ा जिले से केंद्र सरकार प्रॉफिट कमाती है। 6,000 करोड़ रुपए के बदले में बस्तर को क्या मिलता है, आज एक ज्वलंत प्रश्न है। हम इस प्रश्न पर आज ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने वाली और केंद्र सरकार को सीधे ये पैसा जो प्रॉफिट के तौर पर मिलता है, उस पर केंद्र सरकार ने आज तक राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं किया। वहाँ के नेताओं ने लगातार उस धरती को, छत्तीसगढ़ की धरती को, मैं इस बात को भी आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा, वहाँ के तत्कालीन कांग्रेस के नेता ने, कि अमीर धरती के गरीब लोग, उस धरती जो सबसे अमीर रही है उसको आखिर गरीब बनाया किसने? जिन्होंने गरीब बनाया लगातार, जिन्होंने शासन किया, जिनके आधिपत्य में वो क्षेत्र रहा, ये क्षेत्र आज मात्र 10 सालों से हमारे पास में है, और 10 सालों में हमने विकास की वहाँ पर भरपूर कोशिश की। जब हम विकास की भरपूर कोशिश करते हैं तो उस विकास की कोशिशों को अंजाम देना हमारे लिए कितना कठिन होता है, मैंने अभी आपके सामने वो चित्रण प्रस्तुत किया है। लेकिन ये अमीर धरती के गरीब लोग कहने वाले लोगों ने, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ सदन को कि इन्होंने पिछले 64 वर्षों में जो किया है कि आयरन ओर की जो रॉयल्टी है वो मिट्टी और रेट से भी 4 गुना कम दी गई। 18 रुपए प्रति टिन आज से 6 साल पहले रॉयल्टी मिला करती थी। जो लोहा 4,000 रुपए गलने के बाद होता है उसकी रॉयल्टी 18 रुपए मिली। ये धरती गरीब नहीं होगी तो क्या ये धरती अमीर होती? इस ऐस्क का वहाँ पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, बस एक ही काम है, पत्थर तोड़ना और उसको एक्सपोर्ट कर देना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय और कहना चाहती कि जब हम इस समस्या के निदान की बात कर रहे हैं तो दो तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। दो तरफ की बात मैंने इसलिए कही कि एक तरफ जिसे हाई कोर्ट आरोपी मानता है, पूरे देश भर के कथित मानव अधिकारवादी वहां पर पहुंच जाते हैं,
विनायक सेन सेम। और वहां पर विनायक सेन के पहुंचने के बाद उनको हाई कोर्ट आरोपी मानता है, लेकिन केंद्र की सरकार इस बात का उनको पुरस्कार देती है कि आप इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसलिए उनको योजना आयोग में एक बहुत अच्छे तरीके से केंद्र में सदस्य मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस विषय पर पत्र लिखा, योजना आयोग के मोंटेक अहलुवालिया जी को पत्र लिखा, लेकिन उन्हें एक साल तक सदस्य बरकरार रखा गया। यह आखिर दो मुही नीति नहीं है तो है क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं ये बात आपको स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि यदि हम इसी प्रकार की चीजें करते रहे तो ये माओवाद का अंत नहीं होगा। हम यहाँ फिर बैठेंगे, हम फिर चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं हम यहीं खड़े होंगे। 64 साल के बाद में जहाँ पर हम रह गए हैं, आने वाले कल स्वतंत्रता दिवस के बाद भी हम वहीं पर होंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार इस विषय को राज्य सरकारों के साथ में, और केवल एक राज्य की समस्या नहीं है सभापति महोदय, ये आपके 10 राज्यों से संबंधित समस्या है, और तमाम राज्यों के लोगों को अगर मिला के हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए कोशिश करेंगे तब हम माओवाद के इस समस्या पर निदान खोज पाएंगे। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। थैंक यू सरोज जी। श्री शैलेंद्र कुमार।